किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं धान्या सीड्स कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन धान के बारे में जिसका नाम है सुवई धान। और इसका दाना काफ़ी महीन होता है, इसका चावल भी खाने में स्वादिष्ट होता है और साथ में इस वैरायटी से महीन धान की बहुत अच्छी पैदावार भी मिलती है। यह लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, यानी कि लंबा समय लेती है तैयार होने में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुवई धान के बारे में ही बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों सुवई धान के बारे में जानते हैं। तो यह धान्या जैसी अच्छी कंपनी का बीज है और धान्या सीड्स आप जानते ही हैं कि यह टाटा की ही कंपनी है और पैकेट पर आपको लिखा मिल जाएगा टाटा प्रोडक्ट। सुवई धान का जो दाना होता है वह छोटा होता है, यानी कि महीन होता है, बिल्कुल साभा की तरह से। और इसका चावल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसके चावल में महक नहीं होती है, उसके बावजूद भी इसका चावल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और यह लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है। इसके समयवध की बात करें तो 140 से लेकर 145 दिन का समय लेती है। और यह जो समयवध जोड़ी गई है यह नर्सरी गिराने के टाइम को लेकर के जोड़ी गई है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, इसलिए इसे आप निचली ज़मीन में लगा सकते हैं। जहां आप साभात की खेती करते हैं तो ऐसे खेत में आप इसे लगा सकते हैं। वैसे आप इसे मध्यम जमीन में लगा सकते हैं, यदि आपका मध्यम जमीन अधिक बारिश वाले क्षेत्र में है या अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो मध्यम जमीन में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 110 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट होती है। बाली भी इसकी काफ़ी लंबी होती है और दाने भी ज़्यादा इसकी बाली में होते हैं और दाने मजबूत होते हैं और वजनदार होते हैं। वजनदार दानों की वजह से इस वैरायटी से पैदावारी की बात करें तो औसत पैदावारी 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। वहीं अधिकतम पैदावारी की बात करें तो प्रति एकड़ 30 क्विंटल तक भी इस वैरायटी से महीन धान की पैदावारी मिल सकती है। कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो अच्छा खासा कल्लों का फुटाव हो जाता है इसके पौधे से। संख्या स्तर पर बात करें तो 12 से लेकर 20 कल्ले इसके पौधे से मिल जाते हैं। चूंकि यह संशोधित वैरायटी है इसलिए रोपाई कराते समय 2 से लेकर 3 पौधे की रोपाई की जाती है। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 8 से लेकर 10 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। इसकी आप खेती नर्सरी तैयार करके भी कर सकते हैं, यानी कि रोपाई के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहीं इसकी खेती आप सीधी बिजाई करके भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई आप अपने उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां धान की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। इस वैरायटी में बीमारियों की बात करें तो यह किसी बीमारी के लिए जबरदस्त सहनशील तो नहीं है, फिर भी इस वैरायटी बीमारी कम देखने को मिलती है। वैसे आप चाहें तो जब आपकी फसल फुटाव में आती है उस समय यदि आप एक बार टेबू कोनाजोल का यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बालियां तो अच्छी निकलेंगी ही निकलेंगी, साथ में यदि आपकी फसल में किसी भी तरह का फंगस बीमारी है तो भी खत्म हो जाएगा और भविष्य में आपकी फसल में किसी भी तरह की फंगस बीमारी भी नहीं आएगी। क्या होता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियाँ होती हैं वह लंबा समय लेती हैं पककर तैयार होने में, इसलिए जब फसल पकाव के कंडीशन में होती है तो उनकी पत्तियों पे भूरी चित्ती सी बीमारी आने लगती है। तो इस बीमारी का प्रकोप न हो इसलिए यदि आप फुटाव के समय टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी फसल में किसी भी तरह की बीमारी काटे नहीं होगा। तो किसान भाइयों धान्या सीड का सुवई धान एक बेहतरीन वैरायटी है महीन धान की। यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन में महीन धान की खेती करके बहुत अधिक महीन धान की पैदावारी चाहते हैं तो सुवई धान आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा और इसे लगा करके आप अधिक महीन धान की पैदावारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।